गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को हिरासत में लेने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में हालांकि मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्र के मुताबिक 2 हफ्ते पहले ही अनमोल विश्नोई के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया गया था और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया है। खबर है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया है कि अनमोल को भारत लाने की कोशिशों का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में लॉरेंस विश्नोई का भाई अनमोल मुंबई पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है। 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामलों की विशेष अदालत ने अनमोल विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद अमेरिका ने बताया था कि अनमोल उसके देश में मौजूद है। अनमोल विश्नोई 2022 में पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के सिलसिले में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक अनमोल विश्नोई उन शूटर्स के भी संपर्क में था जिन्होंने 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।